मैम आप अपने को अनम्यूट कर लें प्लीज। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड वेलकम, मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सफी सर, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, इतना प्यार देने के लिए। गुड मॉर्निंग इंदु जी, वेरी, जिन्होंने कि मुझे आज यहाँ पे, मतलब मुझे मौका दिया उन्होंने। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ अपने परम पिता परमात्मा का, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर इतनी सुंदर सृष्टि में हैं। अपने माता पिता का बहुत ही धन्यवाद है कि जिन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए, और अपनी पूरी टीम का, अपनी पूरी इंटायर त्यांस टीम का, जिनकी वजह से आज हम लोग अपनी जिंदगियों को बदल रहे हैं। और मेरी ग्रेट अपलाइन जो है गुरविंदर सर, पटियाला से हैं वो, मैं उनका बहुत ही दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ पर हूँ तो सिर्फ उन्हीं की बदौलत हूँ। आज वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, हर टाइम पे वो हमारे लिए तैयार रहते हैं, तो उनका मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ अजय सर का। अजय सर, आपके साथ तो बिल्कुल ऐसी टचिंग है, एंड सफी सर के साथ में, कि ऐसे बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये हमारे फैमिली से कुछ बहुत अलग हैं, बिल्कुल बहुत बड़े, और बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और बहुत अच्छे तरीके से आपने जो इस तरीके से आज मुझे वो करा है, एक ऑनर दिया है, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली भी समझती हूँ कि आज मुझे यहाँ पर कुछ भी, देखिए मुझे कुछ ना एलडीपी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता, तो ये सफी सर का ही है कि सफी सर ने ही शुरुआत में मुझे यहाँ पर, हमने इस पैनल पे जब बोलना शुरू किया था, जब सीखना शुरू किया था, तो इस पैनल पे सबसे पहले हमने बोला था, मतलब वो उनकी एक इनकरेजमेंट थी और उनकी एक पीछे से सपोर्टिंग थी, जिनकी वजह से हम लोग बोल पाए, और वो जो इतना डर था, इतना हिचक थी, वो सारी निकलती जा रही थी। तो ये सफी सर के लिए भी मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद करती हूँ। अजय सर, आपसे मैं एक बार मिली थी चंडीगढ़ में, तो आपने इतना प्यार से हम मिले थे, और वो मुझे वो पल जो है वो हमेशा याद रहते हैं। मेरे साथ, मेरे आपके साथ में एक फोटो भी क्लिक है, तो वो भी मेरे पास रहती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हम सब एक फैमिली के साथ, मतलब इतना हम लोग पूरी फैमिली में ही है। तो एलडीपी का सेशन दोस्तों मैं पहली बार ले रही हूँ, क्योंकि मैं प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा मेरा ज्यादा चलता रहता है, क्योंकि हमारी जो हेल्थोपिया की चैनल की, हमारी सुबह को भी रात को भी चलती हैं, ट्रेनिंग चलती है, सेशन चलते हैं, तो उसमें मेरा कई बार ऐसे होता है। लेकिन एलडीपी के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक नई चीज आज करने को मिली है। तो जब मुझे इंदु जी ने बोला, तो मेरा थोड़ा मन में आया कि मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा हाँ, वो देखो मैं समझती हूँ, क्योंकि सफी सर के द्वारा मेरा आज वो हुआ था, और ये आज ये फिर से नया जो है वो भी यहीं से मेरा शुरू हो रहा है, तो इसके लिए बहुत ही धन्यवाद है सफी सर को। और दोस्तों, एलडीपी की बात अगर है, तो मैं तो जो अपना एक्सपीरियंस आपको जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि आज जो अजय सर ने इतना अच्छा हमारा ओपीपी सेशन दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक एक चीज को इतना अच्छे तरीके से बताते हैं, मैंने जब भी इनको सुना है जिस चीज के बारे में भी, तो ये बहुत बारीकी से उसको समझाते हैं और बहुत ही क्लियर कर देते हैं उसको, तो एक सुन के ना, एक हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, हमारी नॉलेज बहुत बढ़ जाती है, तो जिसके द्वारा कि हम जो भी यहाँ पे काम कर पा रहे हैं, उसमें हमारी बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट मिलती है। तो इसके लिए जितने भी हमारे ग्रेट मेंटोर्स हैं, जो भी हमें सिखाते हैं, उन सबका मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। और हमारी सर ली जिन्हें उनका, जो कि उनके लिए तो कोई शब्द नहीं हमारे पास, क्योंकि जितनी फीलिंग हम सब आप लोगों के अंदर देखते हैं उनकी, आप तो उनसे मिले हुए हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, इसके लिए हमारी टियांस, हमारी सर ली जिन्हें का बहुत ही धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, हम सब उनको यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत धन्यवाद है। दोस्तों, मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी यहाँ पे आपको, कि हमें क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग नए नए आते हैं, तब हमें कुछ भी पता नहीं होता है यहाँ पे, कि एक हम सुनते हैं बातें कि यहाँ पे हजारों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के हमें मिलते हैं, हमारे साथ में ऐसा होता है, लेकिन वो सुन के जब हम यहाँ पर आते हैं, तो हमें जब वो चीजें नहीं मिलती है, क्योंकि एकदम से तो नहीं मिलती है, लेकिन तब हमें क्या लगता है कि ये तो शायद कुछ ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही बोलते हैं, तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो इसके लिए सफी सर ने हमेशा एक चीज बोली है कि सबसे पहले आपको सीखना है। अगर मैं तीन बातें अगर मैं बोलूं कि हमें 100% अगर हमें यहाँ पे अगर अपने आप को प्रूव करना है, तो उसमें हम तीन बातों पे थोड़ा अगर हम लोगों का फोकस रहेगा,
तो हमारी सक्सेस रहेगी बहुत अच्छी, क्योंकि सर ने, सफी सर का हमेशा ये एक ही कहना होता है, मुझे दो तीन बातें उनकी बहुत अच्छे से हमेशा याद रहती हैं कि आप यहाँ पे पहले सीखो। अगर 100% की बात करूँ तो 90% जो है वही तो एक हमारी मोटिवेशन है, जो 90% हमें, हमारा यहाँ पे क्या सिस्टम है, हमारा क्या जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक कल्चर है वो क्या है, वो एक्साइटिंग, आपके अंदर में इतनी एक्साइटिंग होनी चाहिए, आपके अंदर में इतनी मोटिवेशन होनी चाहिए कि सामने वाला जो है ना आपकी वो एनर्जी को देख के ही वो आपका कायल हो जाए। तो सबसे पहले जो हमारा अंदर एक पॉजिटिविटी, एक बहुत ज्यादा ऊर्जा जो हमारे अंदर, और जो हम उनको बताना चाह रहे हैं वो इतनी हमारे अंदर में, खुद के अंदर में एक्साइटमेंट होनी चाहिए, तो वो जो है 90% हमारा वो काम हो जाता है। एक कॉलेज में जब एक कोई बच्चा जाता है तो उसको जब 90% मार्क्स आते हैं ना, तब हम उसको बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो कुछ करेगा जिंदगी में। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 90% हमें क्या चाहिए, मोटिवेशन, एक बहुत एक ऊर्जावान होना चाहिए आपके दिल से वो चीज होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे इस सिस्टम का कल्चर है, तो हमें अपने आप में एक आत्मविश्वास जगाना है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो 8% है वो हमारी क्या है, टेक्निक, वो हमारी नॉलेज, वो हमारा एक जो हमारी स्किल्स है हमारी, वो हमारी सिर्फ 8% पे आती हैं। उस 8% में हम हमेशा क्या करते हैं कि हमें सीखना है, क्योंकि अगर हमने सीखा नहीं है वो, हमने सिस्टम को जाना नहीं है, हमने पहचाना नहीं है, हमने सीखा नहीं है, तो हम जब अगर मार्केट में जाएंगे तो हम क्या होंगे, अनसक्सेस होंगे। सभी सर का हमेशा ये बोलना है कि आप शुरू का जो टाइम है, आप 6 महीने, साल भर आप सीखो, आप सीखने में अपना पूरा टाइम लगाओ, उसके बाद जब आप काम करोगे तो आपको देर नहीं लगेगी सक्सेस पाने में। अब सीखने में हमें अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, अपने जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में समझना है। और दोस्तों में उसके बाद एक माहौल की भी बात करूंगी, जो अगर एक्साइटमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें एक और क्या चीज आती है, माहौल, हमारा आसपास का माहौल हम कैसे बनाते हैं। जब हमारे पास कोई, जब लीडर्स आते हैं या हम उनको जब बताते हैं तो हमारे आसपास का कैसा माहौल है, उसमें उनको क्या दिखाई दे रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा हमारे उसमें एक रोल होता है। जब हमारे लीडर्स आते हैं, कई बार क्या होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि हम किस पे काम कर रहे हैं, हम लोग एक हेल्थ के उसमें काम कर रहे हैं, हमारी जो ये इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों, ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो वेलनेस इंडस्ट्री है, हेल्थ की इंडस्ट्री है। आज लाखों हजारों करोड़ों रुपए इस इंडस्ट्री के द्वारा पूरे वर्ल्ड में काम होता है। तो हम उस इंडस्ट्री के लिए जब हम एक माहौल बनाएंगे, माहौल बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो भी नया लीडर आता है वो इस सिस्टम को नहीं जानता है, तो हमें उनको एजुकेट करना है, हमें उनको सिखाना है, हमें उनको हर चीज के बारे में उनको आगे आके बताना है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे बहुत ही वंडरफुल हैं, जबरदस्त उनके रिजल्ट हैं। रिजल्ट ऐसे ऐसे रिजल्ट है कि जहाँ पे अगर हम बात करें एलोपैथी की या बड़ी बड़ी डॉक्टर्स की, तो वहां पे भी हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो थेरेपीज हैं, उनके वंडरफुल रिजल्ट आते हैं। तो हम बहुत ही दिल से शुक्रिया करते हैं अपने टेंस का, अपने सर ली जिनियोन का, कि जिन्होंने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है। तो दोस्तों माहौल की अगर मैं बात करूं तो माहौल, जैसे अगर हम लोग कई बार अपने इसमें थेरेपी सेंटर भी बनाते हैं, अगर हमारा जो सिस्टम हेल्थ का है, तो कई जो लोग हैं वो काम करते हैं थेरेपी सेंटर पे, कई लोग काम करते हैं नेटवर्किंग पे, कई लोग काम करते हैं किसी तरीके से हम लोगों की हेल्प करें, दूसरों को पैसा कमाने के लिए हेल्प करें। तो हमें उसके लिए वैसा ही माहौल चाहिए, वैसा ही माहौल चाहिए। अगर मुझे किसी को नेटवर्किंग के बारे में बताना है तो मैंने उनको उनकी सारी जो चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, उसके बारे में हमें उनको क्लियर बताना है, क्योंकि नेटवर्किंग के द्वारा बहुत सी उल्टी उल्टी बातें लोगों के माइंड में आज बैठी हुई हैं, क्योंकि वो नेटवर्किंग को बहुत उस नजर से नहीं देखते हैं। तो हमें उनका जो माइंड है वो उनका क्लियर करना है, माइंड उनका सेट करना है कि नेटवर्किंग जो है ये सिस्टम बहुत ही प्यारा सिस्टम है, ये लोगों को जोड़ने का सिस्टम है, या उसमें जो भी हमें उनको बेसिक नॉलेज देनी है तो वो हमें वो उनको पहले नॉलेज देनी है, क्योंकि वो पहले अगर बगैर नॉलेज के अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हमें कई बार ऐसा नेगेटिव हो जाते हैं हम लोग कि हमारा मन खत्म खराब हो जाता है, हमें काम करने का मन नहीं करता है। दोस्तों देखिए, जैसे अगर अगर मुझे गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलाने के लिए पहले मुझे उसको सीखना पड़ेगा, अगर मैं ऐसे ही रोड पे चली जाऊंगी तो जरूर मैं एक्सीडेंट कर दूंगी, तो उसके लिए हमें नॉलेज चाहिए। और दूसरा, अगर मुझे एक थेरेपी सेंटर बनाना है तो मुझे थेरेपी सेंटर के लिए भी उनको माहौल कैसा होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे साथ में कुछ ऐसे जो मेडिकल ग्राउंड से जुड़े हुए होते हैं
तो उनको जब हम अपनी थेरेपी के बारे में बताते हैं या हमारा जो गैजेट्स के बारे में बताते हैं या हमारे एक्यूलाइफ के बारे में जब उनको हम बात करते हैं, तो उनको हमें क्या है कि माहौल कैसा होना चाहिए हमारे थेरेपी देने के लिए या हमें एक्यूलाइफ को बताने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उनको पूरी एजुकेशन देनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं समझती हूँ, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, कि अगर मैं थेरेपी सेंटर खोलती हूँ तो उस सेंटर को कैसा बनाना चाहिए, वो पहले से उनको अगर एक पिक्चर मिल जाएगी तो उनका माइंड वैसे सेट हो जाता है। नहीं तो कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि एक हमने एक्यूलाइफ ली, एक हमने बीसीएम रखी है और बस हमने चालू कर दिया थेरेपी सेंटर, और कई बार क्या होता है फिर उसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो एक थेरेपी सेंटर को कैसा होना चाहिए, अगर आपका वहाँ पे बहुत अच्छी सी म्यूजिक चल रही है, बहुत अच्छा आपका इन्वायरमेंट बना हुआ है, आपको गर्म पानी पिलाने की उनको सुविधा है, मतलब हर तरीके से आजकल जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा देखते हैं कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपके पास फैसिलिटीज कैसी हैं, आपके पास माहौल कैसा है, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद अगर हम थेरेपी दे रहे हैं अपनी डायबिटिस की, तो उनकी, क्योंकि आजकल जो है ना सबका जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं है, आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो हमें अपने उस तरीके का उनको माहौल बना के, अगर हमने एक अलग से अगर हमारे पास कोई जगह है तो हमने उस जगह को वैसा बनाना है, उसमें बहुत साइलेंट म्यूजिक रखनी है, बहुत साइलेंट उनका एक मतलब एक बिल्कुल डार्क ऐसे रूम बनाना चाहिए, मतलब एक उनके पास ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है तो जरूर मतलब ऐसा मेरे साथ में कुछ बहुत मेरे पॉजिटिव होने वाला है, तो उनके माइंड में पहले ही वो चीज आ जाती है। तो दोस्तों ये माहौल है, ये माहौल हमें जरूर बना के रखना है अपने हर तरीके से, जो भी हम जिस भी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो हमें हर चीज का होना चाहिए कि हमारा ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, हमें हमारी नॉलेज कितनी होनी चाहिए, हमारे पास सारे टूल्स होने चाहिए, क्योंकि टूल्स के बगैर अगर हम लोग कोई भी काम करेंगे दोस्तों तो वो हमारे लिए सही नहीं है। देखिए एक बच्चा है ना, जब हम एक बच्चे को स्कूल भेजते हैं, नर्सरी स्कूल हो चाहे नर्सरी क्लास में, तो भी हम पहले दिन से क्या करते हैं, उसकी यूनिफॉर्म तैयार होती है, उसका पूरा बैग तैयार होता है, उसकी पूरी बुक्स उसके पास होती है, यानी कि हर चीज छोटी से छोटी चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं। और हम लोग स्कूल जाने से पहले उनको एडमिशन फीस कराते हैं, उसका एडमिशन फीस इतनी सारी हम लोग भरते हैं, वो यानी कि पूरी हम तैयारी के साथ में उसको भेजते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर जब हम लोग अपने इस काम को, जो कि हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी जिंदगी बदल जाएगी, यहाँ पे आप लाखों करोड़ों रुपए आप कर सकते हो, यहाँ पे आप इतिहास रच सकते हो, क्योंकि ये हमारा एक बहुत दमदार सिस्टम है, तो उस दमदार सिस्टम के लिए हमें कैसा होना चाहिए, क्या हमारे पास टूल्स नहीं होने चाहिए, क्या हम ऐसे हवा में बात करने जाएंगे तो वो सामने वाले पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास टूल्स होना बहुत जरूरी है, टूल्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो कि हमें यहाँ पर इतनी अच्छी नॉलेज मिलती है। अगर मैं बात बोलूँ कि आज अगर कहीं पे भी कोई डिग्री के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे लाखों रुपए के खर्च होते हैं, आपको अलग अलग स्किल्स, आपको स्पीकिंग के लिए, आपको ड्रेसअप सेंस के लिए, आपको किसी भी चीज के माइंड सेटअप के लिए, आपको स्पीकिंग के लिए, तो बहुत सारे अलग अलग जगहों पे हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये इतना वंडरफुल हमारे टैंस का पूरी फैमिली का एक इतना अच्छा सिस्टम है ये, जो कि हमें बगैर खर्च किए हुए अलग अलग लीडर से, अलग अलग इतने लीडर से हमें यहाँ पे सुनने को मिलता है। और हमारे जो अरविंद पांडे सर हैं, सबसे पहले मैंने उनको सुना था जबकि जब बहुत ही स्टार्ट हुए था हमारा जूम, बहुत शुरू की बात है, स्टार्टिंग में, वेरी स्टार्टिंग में, तो तीसरे चौथे दिन जूम पे जब वो आए थे, जब हमने उनको सुना था, तो उन्होंने एक माइंड सेट की बात की थी, उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की बात की थी, और हमेशा वो उस बात को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हमें बताते हैं, तो आज जो हमारे जहन में वो चीजें बैठ गई हैं, तो हमें भी उस तरीके से ही आगे हमने जो हमें तैयार करने हैं, हमें हमारे साथ में जो लीडर्स आते हैं, तो हमें भी उनको धीरे धीरे करके ऐसे ही तैयार करना है। तो आज हम बहुत ही रियली बहुत ही थैंक्स करते हैं अपने उन सभी मेंटोर्स का, जिन्होंने कि आज हमें एक जीने का एक नया दिया है, क्योंकि आज हमारी एज कोई काउंट नहीं करती है, मेरी एज भी बहुत अच्छी एज है, लेकिन पूरा जोश उतना ही है, पूरा कुछ करने दिखाने के लिए उतना ही है, क्योंकि ये कुछ छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ी सिस्टम है, बहुत बड़ा काम है, तो हमारा जो माइंड सेट भी हमारा वो ऐसा होना चाहिए। 80% जो 90% हमारा जो क्या चाहिए हमें, एक हमारे अंदर में एक एनर्जी पावर चाहिए, 8% हमें स्किल्स चाहिए, और 2% की अगर मैं बात करूं तो 2% जो है वो बहुत कम है, लेकिन वो बहुत बड़ी बात हो जाती है कभी कभी, क्योंकि कभी कभी हम लोग बहुत अच्छे स्टेज पे आ जाते हैं, बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन
आपस में कई बार हमारी क्लैश हो जाती है, आपस में कई बार हमारा मन मुटाव हो जाता है, आपस में कोई चीज ऐसे हो जाती है कि किसी सामने वाले को कुछ लग जाता है। हालांकि किसी का भी इंटेंशन ऐसा बिल्कुल नहीं होता गलत का, लेकिन वो कुछ कई बार परिस्थितियों की बात हो जाती है, कई बार माइंड की बात हो जाती है। तो जो 2% हम लोग आपस की जो चीजें होती हैं, कई बार ईगो आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो इतना जो बना बनाया है वो सब खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ईगो हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। हमें यहाँ पे हमारे सब एक फैमिली है, कोई छोटे भी हैं उनसे भी हमें सीखना है, उनको भी हमें प्यार से करना है। कई बार उनको समझ में नहीं आती, उनको फिर से हमें आगे बढ़ाने के लिए फिर से हमें उनके साथ में उसी प्यार के साथ में रहना है। तो दोस्तों, प्यार एक ऐसी चीज है आज हर इंसान को चाहिए। आज सबके पास प्यार की कमी है, लेकिन हम लोग अपने ऊपर, जैसे अगर हमारी इंडस्ट्री है तो ये बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, क्योंकि उसमें हम लोग खुद इतना चेंज हो जाता है, हमारा सोच, हमारा बात करने का तरीका, हमारी फीलिंग्स, हमारा सब कुछ इतना बदल जाता है। तो हमने अपने ऊपर इस तरीके से काम करना है कि हमारे सामने कोई भी स्थिति आए या कोई कैसी भी कंडीशन में हमसे बात करता है, लेकिन हमने उसको नेगेटिव नहीं लेना है। हमेशा हमने उनको क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। तो ये जो पॉजिटिव 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 करते रहेंगे हम, होगा 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 आपसे होगा, तो 100% क्या होगा कि वो हमारी जो हर तरीके से हमारी ग्रोथ होगी, हमारी टीम बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि टीम को जब बेसिक रूल्स अगर हम बताए जाएंगे, बेसिक अगर उनका स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, तो वो अपने आप से हमारे लिए, हम सब मिलके हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारा है, मुझे नहीं पता टाइम का मेरे लिए क्या है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को बहुत ही ज्यादा मैं अपने आप को गौरवित महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे आज इस पैनल पे बोलने का जो मौका दिया है, अजय सर ने इतना प्यार से मुझे इनवाइट किया है, उन्होंने मुझे बारे भी बोला, तो उनके लिए मेरा तहे दिल से मेरा शुक्रिया है। सफी सर का मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। सफी सर की मुझे कुछ बातें हमेशा मेरे माइंड में रहती हैं कि आप जो ये काम कर रहे हो ना, ये आप पैसे के लिए नहीं कर रहे हो, ये पैसे के लिए नहीं करो, आप एक सिंगल पैड भी अगर किसी को दे रहे हो ना, तो आज उसकी आप लाइफ को बदल रहे हो, आप उसकी जान को अच्छा बना रहे हो। तो आप सोचो कि कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। पैसा तो देखिए पीछे से आ ही जाता है, लेकिन अगर आपने किसी एक की भी जिंदगी को बदल दिया ना, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। और हमारा जो ट्यांस है वो तो इतना वंडरफुल है, यहाँ पर भोपाल में आकर जैसे हमारे लिए सारा कुछ नया था। ऐसे तो 3 साल से मेरी फैमिली यहाँ पर, मतलब वो मैं दे रही थी, वो सब यूज कर रहे थे, लेकिन उनको इतना कुछ नहीं पता था इसके बारे में कि ये ऐसा कुछ है। और शायद मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मेरी अंबाला में भी मैं बहुत, मेरी जो मेरी ग्रोइंग टीम है, जो मेरे पार्टनर्स हैं, मैं उन सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम हैं। इंदु जी भी से भी मैं, हम लोग जो मिले हैं वो ट्यांस की वजह से ही मिले हैं, और आज हम बहुत अच्छे से क्लोज हो गए हैं, आज हमारा रिलेशन इतना अच्छा है। जब मैं यहाँ पर भोपाल में आई, तो जब लोगों को बताना शुरू किया, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर मेरे मन में आया कि मैं यहाँ पे एक सेंटर स्टार्ट करूँ। तो जब मैंने यहाँ पे एक सेंटर छोटा सा बनाया अपना, और वहां पे जब मैंने काम किया, तो वंडरफुल रिजल्ट, इतने रिजल्ट आए, यानी कि मैं खुद हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और आज मेरे साथ में काफी सारे अभी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। अभी उनको वो यहाँ है कि सब ट्रेनिंग चल रही है सबकी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया काम है, सीखने और सिखाने का काम है, मोटिवेशन है, प्यार है, लविंग है, फीलिंग है, हर चीज जो जिंदगी को एक बेसिक चाहिए होता है, एक नीड होती है हर किसी इंसान की, अपने को सुख देने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ बहुत ज्यादा दिल से, क्योंकि आपने मुझे ये मौका दिया और मेरे अंदर और हौसला बढ़ गया। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से हमारे प्रोग्राम्स होते रहें। सफी सर, हमेशा जैसे वन वर्ल्ड वन फैमिली की हमारी बात होती है, तो ये बिल्कुल प्रूवन है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं से हूँ, मैं कहाँ से हूँ, हम सब एक फैमिली है, और हम सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि ये सपोर्टिंग का काम है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करने का, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का है। जब हम किसी को आगे बढ़ाते हैं, तो हम खुद आगे बढ़ जाते हैं। सो थैंक यू सभी का, ऑल लीडर्स, बहुत बहुत थैंक्स आपका। अजय सर बहुत ही थैंक्स है, और सफी सर आपका भी, और हमारे पांडे सर का तो बहुत ही दिल से थैंक्स है, जिनकी वजह से आज इतना सारा फैल रहा है। इंदु रानी जी का बहुत ही थैंक्स है, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बेटर थैंक टुमॉरो, यू। 100 ईयर हेल्दी लाइफ।
आई लव चांस. थैंक यू वेरी वेरी मच. थैंक यू वेरी मच मच. मैम. ग्रेट एक्सीलेंट 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 सेशन, वंडरफुल सेशन. अमेजिंग प्रेशियस. थैंक यू वेरी मच.